पिछले महीने मित्रों उधमपुर आने का मुझे अवसर मिला था, रिव्यू किया था यहाँ, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान डिप्टी कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP और विभाग के सारे अधिकारियों ने पिछले दिनों विकास की यात्रा को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो आपके सपने हैं वो पूरे होकर जमीन पर हकीकत के रूप में दिखाई पड़ेंगे। मैं मोटे तौर पर कश्मीर घाटी के सभी जिलों में हो लिया, यहाँ 4 जिले बचे हैं, जल्दी पूरा कर लूँगा। मैंने देखा है रिव्यू के दौरान कि 15 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू हुई अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही अनेक परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और कब खत्म होंगी किसी को मालूम नहीं है, और इसलिए हम सब ने मिल करके एक फैसला किया है कि ये घोषणाओं का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है कि जो वास्तव में काम होना है उसी काम को कहा जाए कि ये काम होगा, जो नहीं होना है साफ तौर पर लोगों को बताया जाए कि ये हो नहीं सकता है। बैक टू विलेज कार्यक्रम की जो खूबसूरती है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो योजनाएँ भारत सरकार की खास तौर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की चल रही, किसानों के लिए चल रही, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एलाइड हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, इन योजनाओं की जानकारी आपको दी जाए, इसका अधिकतम लाभ कैसे आपको दिया जा सकता है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप कैसे दी जा सकती है, डोमेसाइल सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, गोल्डन कार्ड हो, एक और योजना इस UT ने स्वतः अपने संसाधनों से शुरू की है। आप सबको मालूम है कि जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू की थी, जिसे आप आयुष्मान भारत कहते हैं, उसमें गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं 2011 की जनगणना सेंसस के आधार पर, उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलती है हर परिवार को। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस UT ने भी एक अपनी योजना शुरू की है, JK हेल्थ स्कीम। मोटे तौर पर कुल जो आबादी है इस यूनियन टेरिटरी की, उसमें से 30-32 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। यहाँ भी मुझे बताया गया है, उसके आंकड़े मैं आगे पढ़ूंगा, कि अनेक लोगों को इसका लाभ मिला। मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूँ, और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो शेष 70-72 लाख लोग बचे हैं उनको भी JK हेल्थ स्कीम के तहत 5 लाख रुपए के इलाज का कवरेज उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस पूरे यूनियन टेरिटरी में एक परिवार नहीं होगा, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, जिसको 5 लाख रुपए की सुविधा नहीं मिल जाएगी। एक बड़ा फैसला मैं समझता हूँ कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस UT ने किया। ब्रिज जो है कोई बगल में बनना है 58 मीटर स्पैन का, जिसकी कुल लागत 9.75 करोड़ है। प्रोजेक्टेड पीरियड 1 ईयर 1 साल है। चिनैनी पतनगढ़ ब्रिज और इस साल जो काम होगा उसके लिए 1.75 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। आपको जल्द ही इसके सारे विवरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, DC के द्वारा। यह डबल लेन स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज होगा, रिवर तई पर चेनानी और पट्टनगढ़ रोड को बनाते हुए रोड भी इसके साथ बननी है, केवल पुल नहीं बनना है। आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट से जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं आएंगी उसमें जरूर विचार करके उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। एक यहाँ परंपरा चल गई है कि जो कह दिए वो विभाग एक एस्टिमेट बना के भेज देता है और वो पता नहीं सैंक्शन होता है कि नहीं। उस पद्धति को बदलने की जरूरत है। लोग भी सच बोलें, हम भी सच बोलें, जो हो सकता है जरूर करेंगे और बताएंगे भी, जो नहीं हो सकता है साफ तौर पर कहेंगे कि नहीं अभी ये नहीं हो सकता है। 75-75 साल का गड्ढा 2-3 महीने या 3 साल में भर दिया जाए ये संभव नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी पहली प्राथमिकता में जम्मू कश्मीर UT है, उनके निर्देश पर और जितना उन्होंने इस UT को दिया है, मैं समझता हूँ शायद किसी राज्य को नहीं दिया है। मुझे विश्वास है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो मांगे आपने रखी हैं, आने वाले समय में शीघ्र उसे भी पूरा करने की हम सब कोशिश करेंगे। और 104 जो है जिनकी जियो टैग हो चुकी है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो मुझे सपोर्ट। मुझे लगता है कि
अपने ढंग का एक अनूठा प्रयास जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। और आज यहाँ देखा आपने, दो पंचायतों के लोग थे, बैक टू विलेज वन और बैक टू विलेज टू में जो परियोजनाएं चिन्हित हुई थी उनमें से अधिकांश पूरी हो गई हैं। बैक टू विलेज थ्री में भी कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए नहीं है। 10 लाख रुपए की राशि यूटी प्रशासन ने भी हर पंचायत को अलग से दिया है। मनरेगा और फाइनेंस कमीशन के पैसे अनवरत आने वाले हैं और मुझे लगता है कि पंचायतों की भागीदारी, वहाँ के लोगों की भागीदारी से ही काम तय हों। प्रशासन केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहे, एक नए प्रकार का अभियान हम सब ने चलाया है। ब्लॉक दिवस जन अभियान के अंतर्गत हमने कोशिश की है कि सामान्य आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जो हक उन्हें मिलना चाहिए, वो हक मिले। और मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे अभियान में जो हमने लक्ष्य रखा है 90% हम प्राप्त कर चुके हैं, जो बचा है वो भी हम प्राप्त करेंगे। और मैं मानता हूँ कि जन भागीदारी से एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अधिक टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करेंगे करप्शन उतना कम होगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये लंबे समय से चला लेकिन हमारी फौज सक्षम है और इन बातों का।